तो चलिए अब हम अपने जो दर्शक हैं उनके भेजे हुए सवालों के जवाब दे देते हैं, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर विकास मौर्य जुड़ गए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं पल्मोनोलॉजी के फोर्टिस हॉस्पिटल से. पहला सवाल कार्तिकेय पाठक ने भेजा है लखनऊ से, आइए सुन लेते हैं. मेरा नाम कार्तिकेय पाठक है, मैं क्लास 10 का छात्र हूँ. मेरे इस बार बोर्ड के एग्जाम्स हैं, लेकिन कोरोना के चलते सभी क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं, प्रैक्टिकल्स भी नहीं हुए हैं. इसलिए दिमाग में बहुत अनसर्टिनिटी है कि इस बार क्या होगा, और ये दिमाग में यही सब घूमता रहता है. स्कूल खुल नहीं रहे हैं, लेकिन परीक्षा तो होगी ही, ऐसे में तनाव में मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें बेस्ट पार्ट तो यही है कि आपको पता है कि आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, और परीक्षा तो कभी ना कभी तो होनी ही है. आपने अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है. हो सकता है कि परीक्षाएं कैसे होंगी ये हर राज्य अपने हिसाब से ये तय करेगा, कि वो कहते हैं वहां पे बच्चों को बुला के एक हॉल में कैसे सारे प्रिकॉशन लेके करेंगे, या ऑनलाइन कहते हैं परीक्षा हो. तो इसके बारे में तो अभी कहते हैं संशय बना हुआ है. तो मेरे ख्याल से हमें ध्यान ये लगाना चाहिए कि अपनी परीक्षा पे ध्यान लगाएं, और कैसे होगी, कैसे किस प्रकार से होगी, इसके बारे में अभी हम ना सोचें. जो भी होगा सरकार सब सोच समझ के आई थिंक फैसला लेगी. तो हम अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दें, और कैसे होगी परीक्षा उस पर अभी हम ज्यादा सोचें नहीं. बिल्कुल, तो स्ट्रेस मत लीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, परिवार से बात कीजिए, और तनाव से दूर रहिए. हमारे साथ अगला सवाल जो पूछ रही है डॉली है दिल्ली से. मेरा नाम डॉली है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ. मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक आदमी से दूसरे आदमी में कोविड-19 कैसे ट्रांसमिट होता है. देखिए, ये तो जैसे शुरू से ही कहा जा रहा है कि जब भी कोई एक आदमी को कोरोना है, वो अगर खांस रहा है, छींक रहा है, या इवन ये भी कहा जाता है कि बहुत तेज बोल रहा है, छींक रहा है, या गाना गा रहा है, तो उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बाहर आते हैं, और बाहर आके दूसरे मनुष्य के पास जा सकते हैं. अगर उन्होंने फेस मास्क नहीं पहना है तो ये बहुत ही जल्दी एक से दूसरे के पास फैल जाते हैं. जो कि ये भी हम कहते हैं कि अगर आप उसके विद इन 2 से 3 मीटर डिस्टेंस के अंदर अंदर हैं तो फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं. इसीलिए मास्क एक बहुत ही अच्छी चीज है, और उसको हमेशा यूटिलाइज करना चाहिए. और इसलिए कहते हैं, दूसरा ये होता है कि जो सरफेस के ऊपर जो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, वो भी अगर कोई दूसरा आदमी उसको टच करता है, और अपने फेस को टच करता है, अपने आंख नाक या कान को टच करता है, तो उसके थ्रू भी वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जा सकते हैं. जैसे कि सबको पता है कि एक रेस्पिरेटरी वायरस है, तो मुख्य रूप से ये नाक और मुंह से फैलता है, और आंख से भी हो सकता है. बिल्कुल, तो मास्क पहनना डॉक्टर साहब कह रहे हैं बहुत जरूरी है, तो इस बात को ना भूलें. हमसे बात करने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर. चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जानिए किन अफवाहों से बचना है जरूरी, साथ ही आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे आंकड़े जो हैं दिलचस्प और आपके लिए जरूरी भी.